इकट्ठे होए प्रवासियों ने दो सरदार भरावां दी कुटमार कीती। मामला लुधियाने तो सामने आया। हुण इन्हां दो सरदार भरावां दे वल्लों प्रवासियों ते गंभीर इल्जाम लगाए गए। उन्हां दस्सिया कि एक प्रवासी ने सिगरट दा धुआं पहला मूँह ते मारिया, फिर गुटका खा के उसके पैरां च सुट्टिया। पहला तो प्रवासी समझ गया, फिर बाद विच उसने एक सरदार दे नाल खिचतू की। इकट्ठे होए प्रवासियों ने सरदार भरावां दे नाल कुटमार करते हुए दाड़ी भी पुट दिती, जिस तों बाद माहौल गर्मा गया। यह मामला लुधियाना के दशमेश नगर तो सामने आया। उधर थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस के वलों भरोसा दिता गया कि जल्द बनती कार्रवाई की जाएगी और सारे दोषियों सज़ा दी जाएगी। सरदार जी ने कहा कि सानू कोई इतराज़ नहीं कि यह प्रवासी इत्थे आके काम करते हैं। इतराज़ इस गल का कि यह हुण गुंडागर्दी ते उतर आए, शरेआम वालों की बेअदबी करते हैं। इस मौके इकट्ठे हुए लोगों ने बड़ी मशक्कत बाद इन्हों वख-वख किया और सरदार भरावां दे वलों गंभीर आरोप लगाए गए ने कि यह प्रवासी हुण किस तरीके दे नाल सरदारां नू बेइज्जत करते हैं और दाड़ी पुट देंदे ने। इस मौके उन्होंने इकट्ठे होकर इंसाफ की गुहार लगाई। मामला इदा वा, दोपहर नू इह मेरा छोटा वीर हा इह लग रहा सीगा ते इहदे उत्ते इहनां थुक्किया, नाल सिगरट दा धुआं छड्डिया ने ते इहने उहनां नू रोकिया। चलो दोपहरे दा रफा दफा होगी गल। हुण मैं ते मेरी मिसी जा रहे सीगे, इहनां दा मामला फिर उलझ गया। इह समझा रहे सी उहनूं, मैं हले स्टैंड ते लाया ही आ जदी सारे भईए साडे ते पै गए। मेरी मिसी जी मेरे नाल आ, जेब दे विच 15-20 हज़ार सीगा उह वी कढ लिया इहनां ने, ठीक है, और इहदी वी दाड़ी पट्टी नाले मेरी वी दाड़ी पट्टी। ते किन्ने वजे दी घटना जी? इह दुपहरे पहले गल हुई आ जी। इहदे नाल इहनूं समझाया भी बंदा जिहड़ा अंदर सीगा सुपारी जी खा रहा जी, मैं इत्थों लंच करके आ रहा जी ड्यूटी तो, लंच टाइम होया जी, मैं इत्थों लंघिया तो उहने मेरे मूहरे थुक्या। मैं उहनूं कहा भी थुक ला कहते तूं, तैनूं अकल नहीं हैगी। तो उन्हें सॉरी मंग के वह बंदा चले गया अंदर। तो जो दुकान वाला आया उसकी हमायत करके उत्तों की बोलिया, कहना साढ़े को दिहाड़ी 100 बंदे आते हैं, कहना इदा ही सिगरटा पीड़िया पीणगे थुकनगे भी, कहना रोक सकते तो रोक लो जे तेरे च कहना दम। जस्ट उन्होंने शाम को ऐसे करके उन्होंने समझाने वास्ते गली के मैं चार बंदे कट्ठे करके उन्होंने समझाने वास्ते गल की। उन्हें वो अंदर वो अपना ब्रदर है, अंदर काम करता है वो जो अपने मनी ट्रांसफर का काम करता है, ठीक है ना, पहले बैठे थी। तो उन्हें अपने दो तीन बंदे होर ब्रदर भी सके, पता नहीं मैं नहीं उन्होंने जानता, वो अपना भाई उन्होंने कह रहा तो वह भी आए थे। तो वह भी तो अभी जस्ट गल कर रहे थे, इन्ना हाइपर होके आया उन्हें मैंने जलों फड़िया था, तो मैं भी उन्होंने फड़ लिया, ठीक है ना। फिर छड़ा वीरा जा रहा है अपनी मिसी नाल, तो मैं देख के छड़ाण वास्ते आए, तो मेरी दाढ़ी और ब्रदर एक ने फड़ ली, तो दूजा जो आया तो वह छड़ाण वास्ते आया तो यदि दाढ़ी फड़ ली उन्होंने। कौन सी बंदे? एक टेलर आई अंदर शॉप वाली। हाँ जी, कि कौन सी बंदे जी? वह प्रवासी सके जी। कितने मतलब घर कितने उन्हों का? घर नहीं सानू पता है जी, पता नहीं अंदर रेंदे ने कि उपर पहले दुकान आ दुकान है जी। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब की हुण की चाहने की हो तुसीं? मैं इंसान चाहना जी, जो साडे सिख धर्म दे विच आ जिहड़ा साडे नाल दाढ़ी पट्टी है ना, मैनूं इहदा इंसान मिलना चाहिए, मेरे ब्रदर का भी मिलना चाहिए। यह प्रवासी होकर साडी दाढ़ियां नूं हथ पाणगे, इह जे असीं इहनां नूं रोकदे आ सिगरट बीड़ी जरदे तो रोकदे आ तां की गुनाह कर रहे आ असीं? पंजाब दे विच आ के मजदूरी मेहनत मजदूरी करके अपनी रोटी खांदे आ, तां इह आ के इत्थे अपना काम करन मेहनत कर अपने बच्चे पालन, सानूं कोई इतराज़ नहीं, पर इह इत्थे आ के ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸੇਟਾਂ ਦੇ ਧੂਏ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸੱਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।